टॉप 10 लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी तलाश का खात्मा करते हुए टॉप 10 हिंदी लेकर आ गए हैं एक और रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपके लिए। अगर आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि बॉलीवुड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फिल्मों का उत्पादन करने वाली फिल्म इंडस्ट्री है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि भारत में बॉलीवुड के अलावा भी कई फिल्म इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो कई वर्षों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही हैं। फिल्मों के उत्पादन और कमाई में भी वो काफी आगे आ चुकी हैं। क्या आपको पता है बॉलीवुड के अलावा भारत में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे भारत के 10 सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज से। तो दोस्तों, ये वीडियो तो है पूरा ज्ञान का पिटारा, लेकिन इस पिटारे के खुलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देख पाएंगे हमारी नई वीडियोस सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री में। 10. बॉलीवुड ओडिया फिल्म इंडस्ट्री। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय सिनेमा का एक हिस्सा है, जिसकी फिल्में ओडिशा के कटक की भाषा ओडिया पर आधारित होती हैं। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत 1936 में हुई थी, जब इसमें भारतीय लोक कथा रामायण की कहानियों पर आधारित फिल्में बनाई जाती थी, जो काफी प्रसिद्ध भी हुई। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री भले ही एक स्थानीय भाषा वाली फिल्म इंडस्ट्री हो, लेकिन फिर भी उन्नति और फिल्मों के मामले में ये पीछे नहीं है। इसका नाम ओडिया और हॉलीवुड के नाम को मिलाकर बनाया गया है। ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को भले ही सस्ते बजट वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ फिल्में बेहद प्रभावी हैं और कम बजट के साथ बेहतरीन फिल्में बनाने वाली ये अनोखी फिल्म इंडस्ट्री है। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री भारत की सबसे अनोखी और बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। ये भारत की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हमारी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। 9. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। अब आप जानते ही होंगे कि पंजाबी भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, इसलिए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी भारत में काफी तरक्की कर रही है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों में पंजाब, पाकिस्तान और भारत के कई हिस्सों में पसंद किया जाता है। पंजाबी फिल्मों का उत्पादन 1928 में शुरू हुआ था, जब फिल्में कलकत्ता में बनाई जाती थी और उन्हें रिलीज लाहौर में किया जाता था। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कुछ सालों से काफी बेहतर कर रही है और पंजाब के अलावा भी कई राज्यों में अपनी पकड़ बना रही है। और अब क्योंकि ये एक भाषा पर निर्धारित फिल्में बनाती है, इसलिए इसे दर्शकों तक पहुंचने में समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन फिर भी ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बन गई है। बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 8. भोजपुरी सिनेमा। भारत की सबसे ज्यादा जानी मानी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम भोजपुरी सिनेमा भी कहते हैं। भोजपुरी सिनेमा भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। भोजपुरी फिल्मों को केवल भारत के बिहार जैसे राज्यों में ही नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में भी देखा जाता है, जिसके कारण ये बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर जा रही है। भोजपुरी फिल्मों का उत्पादन बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी नेपाल में भी किया जाता है। भोजपुरी सिनेमा को अपनी एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले मोशन ग्राफिक्स इन फिल्मों को काफी रोचक बना देते हैं। भोजपुरी सिनेमा आज अपनी लगातार प्रगति और कमाई के बाद भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बन गई है। आज भोजपुरी सिनेमा लगभग 2,000 करोड़ की फिल्म इंडस्ट्री बन गई है। 7. बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो कई भारतीय सिनेमाओं को टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन भी हो सकती है। बंगाली सिनेमा की पहली फीचर फिल्म 1919 में आई थी। बंगाली सिनेमा द्वारा कई उत्तम फिल्में बनाई गई हैं, जिन्हें दुनिया भर में नाम कमाया है और कई नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, और शायद इसलिए बंगाली सिनेमा काफी तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहा है। बंगाली सिनेमा भारतीय सिनेमा का ही एक हिस्सा है, जिसमें बंगाली भाषा में निकाली जाती है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हर साल 70 से 100 फिल्में निकालती है, जो 2,00,000 से 15,00,000 के बजट पर बनाई जाती है। इसने 2013 में लगभग 100 करोड़ तक की कमाई की थी, इसलिए भारत की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। 6. मराठी फिल्म इंडस्ट्री। मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी भारतीय सिनेमा का एक हिस्सा है, जिसमें फिल्में मराठी में निकाली जाती हैं। जैसा कि महाराष्ट्र को फिल्मों का हब माना जाता है, इसलिए वहीं से निकली मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी काफी तरक्की कर रही है। मराठी फिल्म्स की 500 से ज्यादा स्क्रीन्स मुंबई में मौजूद हैं, जो इनकी बड़ी सफलता का एक कारण भी हैं। मराठी सिनेमा की पहली फिल्म 18 मई 1912 को रिलीज हुई थी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री की पहली टॉकी फिल्म 1932 में आई थी। श्वास और हरिचंद्र फैक्ट्री कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री को सफलता की राह दिखाई। आज मराठी सिनेमा द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्में कई हिस्सों में देखी जाती हैं और ये अच्छी खासी कमाई भी कर रही हैं। मराठी सिनेमा हर साल 120 से 125 फिल्मों तक प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ही शायद आज ये 2,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 5. कन्नड़ा सिनेमा।
कन्नड़ सिनेमा को सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय सिनेमा का ही एक हिस्सा है जहां फिल्मों को कन्नड़ भाषा में निकाला जाता है। 1934 में डायरेक्टर वाई वी राव द्वारा बनाई गई फिल्म सती सुलोचना कन्नड़ भाषा की पहली फिल्म थी। कन्नड़ सिनेमा में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों का निर्माण हुआ है, जैसे 250 करोड़ तक कमाने वाली KGF चैप्टर 1 और 100 करोड़ कमाने वाली कुरुक्षेत्र आदि कन्नड़ सिनेमा की कुछ बेहद सफल फिल्में हैं। कन्नड़ सिनेमा की कर्नाटक में 650 से भी ज्यादा सिनेमा स्क्रीन्स मौजूद हैं। कन्नड़ सिनेमा की कुछ फिल्में विदेशों में भी निकलती हैं और पसंद भी की जाती हैं। आज के समय में कर्नाटक और बेंगलुरु में कन्नड़ सिनेमा द्वारा हर साल लगभग 100 से भी ज्यादा नई फिल्में निकाली जाती हैं। ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। 4. बॉलीवुड मलयालम मूवी इंडस्ट्री। कन्नड़ सिनेमा की तरह ही मलयालम सिनेमा भी भारतीय सिनेमा का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मलयालम सिनेमा कमाई के मामले में भारत की कुछ बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज से भले ही पीछे हो, लेकिन मलयालम सिनेमा द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली फिल्मों की कलाकारी और तकनीकी विशेषता के लिए इसे दुनिया भर में जाना जाता है। मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म 1938 में डायरेक्टर एस अनोटानी के निर्देशक में बनी, जिसका नाम था बालन। कमाई के मामले में भले ही मलयालम फिल्में इतनी आकर्षित ना करती हों, लेकिन अगर उनकी प्रसिद्धि और सफल फिल्मों को देखा जाए तो ये काफी बेहतर कर रही हैं। मलयालम सिनेमा को सहारा देने के लिए केरला में 1100 स्क्रीन्स मौजूद हैं। मलयालम सिनेमा की माय डियर कोच्चिनाथन पहली 3D फिल्म थी और इसमें नायक और नायिका ने अच्छी भूमिका निभाई थी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री द्वारा बनाई गई फिल्म्स काफी हद तक असली लगती हैं और इसी खासियत और प्रसिद्धि के कारण ये भारत की चौथी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। 3. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भी टॉलीवुड के नाम से ही जाना जाता है। यह हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर निर्धारित फिल्म इंडस्ट्री है जो भारतीय सिनेमा का ही एक हिस्सा है। जो फिल्में तेलुगु भाषा में निकलती हैं, रघुपति वेंकन्न नायडू को तेलुगु फिल्म जगत का पिता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही तेलुगु सिनेमा की पहली बेआवाज फिल्म निकाली थी। ये फिल्म उत्पादन के मामले में सभी को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि तेलुगु सिनेमा के पास सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी के होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये काफी अधिक पैसा कमाने वाली फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके देश भर में 2800 से भी ज्यादा थिएटर्स मौजूद हैं। तेलुगु सिनेमा द्वारा ही निकाली गई फिल्में जैसे बाहुबली 2 और साहू, जिन्होंने 1810 करोड़ और 600 करोड़ तक की कमाई की है, ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में तीसरे स्थान पर है। 2. तमिल फिल्म इंडस्ट्री। तमिल फिल्म इंडस्ट्री भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से तो एक है ही। तमिल सिनेमा को कॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको इसकी सफलता के बारे में जानना है तो केवल इतना जान लीजिए कि महान अभिनेता रजनीकांत, जिन्हें उनके एक्शन सीन्स के लिए जाना जाता है, तमिल सिनेमा की ही देन है और ये एशिया के सबसे ज्यादा रुपए प्राप्त करने वाले अभिनेता हैं। और एक और अभिनेता जिनका नाम है कमल हुसैन, जिनके पास बेस्ट एक्टर के सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड्स हैं, वो भी इसी सिनेमा। तमिल सिनेमा की तमिलनाडु और पांडिचेरी में ही 1512 से भी अधिक फिल्म स्क्रीन्स हैं। केवल 2017 के आंकड़ों को ही देखें तो तमिल सिनेमा ने 198 फीचर फिल्म्स निकाली हैं, जिसमें इसने 4250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। इसलिए ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। 1. बॉलीवुड। अब चलिए जान लेते हैं भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जिसका नाम तो शायद आप सब जानते ही होंगे, जो है भारतीय सिनेमा, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। बॉलीवुड भारत में सबसे ज्यादा फिल्मों का उत्पादन करने वाली भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारतीय सिनेमा का 36% केवल तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री घेरती है। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म 1931 में आई थी, जिसका नाम था आलमारा। अगर कमाई के मामले में देखा जाए तो बॉलीवुड बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। 2017 में बॉलीवुड के द्वारा 364 फिल्में निकाली गई, जिससे इसने 15,500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए। इसकी गजब की कमाई और फिल्मों के कारण ही ये दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है जो भारतीय सिनेमा से भी आगे निकल सकती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके पास अगर वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो वह हम तक कमेंट्स के जरिए अवश्य पहुंचाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों से शेयर भी करें। मिलते हैं एक और ऐसी रोचक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए टॉप 10 हिंदी पर। धन्यवाद।